नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ विड्रॉल ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो अब आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले दोस्तों बात करें कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन से केस में कर सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के हिसाब से, अब इसके अंदर जो रूल है, रूल 20 भी पढ़ सकते हैं, सी जी एस टी रूल 2017 का, जिसके अंदर यहाँ पे लॉ जो बोलती है कि रजिस्टर्ड पर्सन खुद से ही अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 को फाइल करके। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है ये फॉर्म, इसको फाइल करके अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन खुद से ही कैंसिल कर सकता है, लेकिन इन फॉलोइंग सरकमस्टांसेस में या इन फॉलोइंग केस के अंदर वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। दोस्तों, पहली कंडीशन ये है कि बिजनेस अगर यहाँ पे बंद हो रहा हो, बिजनेस का क्लोजर हो रहा हो या डिसकंटिन्यू हो रहा हो बिजनेस, तो उस केस में यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है एक रजिस्टर्ड पर्सन खुद से एप्लीकेशन को फाइल करके। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा हो, बिजनेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो रहा है, मतलब पैन चेंज हो रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकता है फॉर्म 16 के अंदर। मतलब कि मान के चलिए कोई प्रोप्राइटर है जिसके नाम से बिजनेस था, उस प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, उस केस में वो पैन जो है वो चेंज हो गया, अब दूसरा प्रोप्राइटर वहाँ पे उसकी जगह पे आ गया, उस बिजनेस की जगह पे, तो उस केस में आप पुराने वाले रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। अगला आता है अगर पर्सन लाइबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, जीएसटी के अंदर टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। अगला आता है अगर पर्सन रिक्वायर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना, उसने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो वो पर्सन भी यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकता है। और अगर वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है, और बिजनेस शुरू नहीं हुआ विद इन जो टाइम बताया गया है लॉ के अंदर उसके हिसाब से, तो उस केस में भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। अगर बिजनेस का ट्रांसफ़र हो रहा है अमल कमीशन के कारण या फिर डी मर्ज या सेल के कारण, तो उस केस में भी यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को फाइल किया जा सकता है। यहाँ पे टैक्स पेयर खुद से एप्लीकेशन को फाइल करके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो प्रोसेस क्या होता है, जैसे ही टैक्स पेयर यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को फाइल करेगा खुद से ही, प्रॉपर ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देगा। प्रोसेस करने के बाद कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर इशू करेगा फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 के अंदर, तब उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है विद इन 30 डेज के अंदर। यहाँ पे प्रोसेस करता है यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर आपकी कैंसिलेशन एप्लीकेशन को फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 को। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट एक फंक्शनलिटी लेके आई है जीएसटी पोर्टल पे कि अब आप अगर आपने कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया है तो उसकी एप्लीकेशन को विदड्रॉल कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट आपको जीएसटी पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन 16 को फाइल कर दिया है और आपको लगता है कि नहीं आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कराना, तो उस केस में आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉल करने की एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि प्रॉपर ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं किया हो। अगर यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं किया है तो उस केस में आप अपने जो आपने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है उसकी एप्लीकेशन को विड्रॉल कर सकते हो। कैसे विड्रॉल करना होगा जीएसटी पोर्टल पर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है दोस्तों, आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद सर्विस में आएंगे, सर्विस के बाद रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबमिशन पीरियड सेलेक्ट करना होगा, जिस दिन आपने यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था उसके सबमिशन पीरियड को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको इस प्रकार से जो आपने सबमिशन किया है आपको लिस्ट दिख जाएगा। फिर आपने जो कैंसिलेशन अप्लाई किया था फॉर्म 16 के अंदर एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ऐसे दिखेगा। यहीं पे आपको एक विड्रॉल का बटन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिसर को प्रोसेस करने से पहले, जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करने से पहले आप विड्रॉल कर पाएंगे। फिर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद सक्सेस हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक ARN नंबर भी मिलेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।